हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप सेलिंग कारों में से एक होंडा अमेज, जो कि अपने सेगमेंट में कॉम्पीट करती है टाटा टिगोर से, मारुति की डिज़ायर और होंडा की ऑरा से। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको फ्रंट लुक मिल जाता है होंडा अमेज का। तो ये होंडा अमेज SIBTEC पेट्रोल वेरियंट है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी सी क्रोम सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है, होंडा की बैजिंग मिल जाती है इस वेरियंट में, और इस वेरियंट में हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, और फॉग लैंप नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में। इसके टायर की बात करें तो यहाँ पर 175/65 R40 स्टील व्हील मिल जाते हैं विद व्हील कवर, और ORVM की बात करें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM विद टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको। ऐसा कुछ आपको साइड लुक मिल जाता है होंडा अमेज का। ये इसके बैक साइड की बात करें तो शार्प फिन एंटीना मिल जाता है आपको इसी वेरियंट से, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, अमेज की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पर, और सी टाइप बैकलाइट मिल जाती है यहाँ पर, चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको, होंडा का लोगो मिल जाता है यहाँ पर, SIBTEC पेट्रोल की बैजिंग मिल जाती है। तो यहाँ पर 35 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। और आइए इसके बूट स्पेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 420 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, बूट लैम्प मिल जाती है आपको, और आइए इसके स्पेयर टायर मिल जाता है आपको टूल्स विद टूल्स किट। तो इसके की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है की पे। आइए इसके इंटीरियर में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है अमेज में, और यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाते हैं, 1 लीटर वाटर होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, आप रख सकते हैं आराम से, और यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस टाइप का आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं आपको। और आइए इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो इस टाइप का आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है अमेज में। यहाँ पर आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और होंडा की बैजिंग मिल जाती है स्टेयरिंग में, और हेड लाइट्स के कंट्रोल और बाइबर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर सिंपली म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स, और नीचे की तरफ आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, और USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, आगे स्पेस रख सकते स्पेस के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल गियर नॉब मिल जाती है, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस वेरियंट में आपको। यहाँ पर काफ़ी स्पेस यहाँ पर मिल जाता है ग्लव बॉक्स में, और यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको 2 एयरबैग्स ABS EVD अवेलेबल हैं, और इस साइड आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं, चारों ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। तो आइए आप पीछे की सीट्स में चलते हैं, तो पीछे के डोर्स पर आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 लीटर वाटर होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर सिल्वर कलर्ड डोर ओपनर मिल जाता है आपको। आइए चलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर पीछे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, लॉन्ग जर्नी आप आराम से कर सकते हैं इस कार में, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स, पीछे की तरफ आपको 2 एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा पीछे का व्यू लग मिल जाता है आपको। तो रियर साइड से आपको कुछ इस टाइप का आपको फ्रंट के डैशबोर्ड का लुक मिल जाता है। तो आइए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, आइए ओपन करते हैं इसके इंजन को। अमेज में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर IBTEC पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 89 BHP एट 6000 RPM पे, और निकलता है 110 Nm का टॉर्क। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव पर है, कंपनी इस पर 18 का माइलेज क्लेम करती है, और ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलता है, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि काफ़ी रिफाइंड इंजन है इस कार का, बिल्कुल नॉइज़ नहीं करता है। तो आइए कार को स्टार्ट करके देखते हैं इसमें कितनी नॉइज़ आती है, अभी आपको पता लग जाएगा।
भाई ऐसी नॉइज़ बज जाती है आपको, काफ़ी कम नॉइज़ है इस कार की, और ओपन में तो आपको थोड़ी सुनाई दे रही है, आगे बंद करके आपको सुनाते हैं। भाई बिल्कुल नॉइज़ नहीं आ रही है कार में, काफ़ी साइलेंट इंजन है इसका। काफ़ी रिफाइन इंजन आपको मिल जाता है। तो इस कार को ग्लोबल एनपीएफ के द्वारा क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, और ये गाड़ी आपको ऑन रोड 7,64,000 में पड़ जाती है। तो ये था भाई ऑल ओवर वॉक अराउंड ऑफ होंडा अमेज का। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।